तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा हमला आया है। जैसे ही तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बड़बोला बाप का बड़बोला पुत्र, चुनावी राजनीति में झूठ का बड़ा गुब्बारा छोड़कर वोटर को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वोटर जानता है ऐसे फूहड़पन और बड़बोलापन की राजनीति करने वाले के गुब्बारे की हवा बहुत जल्द निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि वो नौकरी के नाम पर कभी 10 लाख, कभी 20 लाख और अब 1 करोड़ की बोली लगाते हैं। जमीन के नाम पर नौकरी देने की कहानी पहले से ही चर्चा में है। हम बिहार के अपने युवा मतदाताओं से यही कहना चाहते हैं कि वो बिहार और बिहारियों को हल्का और मजाक बनाने वाले हवाबाजों से सतर्क और सावधान रहें। स्वार्थ और सत्ता की लोलुपता के लिए राजनीति करने वालों के झांसे में ना आकर विकास और समाज कल्याण को समर्पित सरकार को चुने। जो अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दे पाया, दो दो बार अवसर मिला और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। कितना तय करेंगे, क्या करेंगे, कहां से देंगे, ये सब जानता है। बिहार की बजट और बिहार की क्षमता भी सत्ता में रहने वाले को पता है। सिर्फ भ्रम का वातावरण दिखा करके और किस तरह से राजनीति में लोक लुभावना वादा कर करके, जमीनी हकीकत से हट करके सपना दिखाकर लोगों की वोट की लूट की भरमाने की वातावरण बनाना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की जननी की भूमि है, यहाँ लोभ में नहीं फंसता है लोग। हकीकत में जो जनता के सेवक के रूप में काम करता है और जमीन पर काम करता है, भ्रष्टाचारी के चक्कर में नहीं पड़ता। और जिन भ्रष्टाचारियों ने बिहार की जनता की गरीबी बढ़ाने में, बिहारी शब्द को अपमानित करने में, बिहारी को मजाक बनाने में कितना भी प्रलोभन दे देंगे, उसके जाल में बिहारी अब नहीं फंसेगा। बिहारी सब पर भारी, बिहार अपने सम्मान के लिए, अपने विकसित बिहार बनाने के लिए और विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आप कितना भी झूठा लोभ लुभावना वादा कर लें, कोई उस जाल में नहीं फंसेगा।